अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर वन कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में। नाउ यू कैन क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम विद द हेल्प ऑफ इंडियाज टॉप फैकल्टीज। सो जॉइन जॉब्स अड्डा, एडमिशन ओपन। हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। बच्चे लोगों, आप बोल रहे थे कंप्यूटर का स्टार्ट करा दिया जाए, तो आज कंप्यूटर की सीरीज भी मैं लाया हूँ आपके लिए। बट आज मैं जरा धीरे ही बोलूंगा, रमजान भी है और मैं जरा थका भी हूँ। देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना कंप्यूटर का बेसिक। मैं इस बार कंप्यूटर का लेवल जरा हाई रखूंगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि बेसिक कंप्यूटर का है जो, वो आप सब बच्चों को पता है। तो अगर आपने बेसिक नहीं पता तो मेरी वीडियो में नीचे कमेंट में लिखिए, फिर मैं उस हिसाब से शुरू करूंगा। बट जो मैंने पहला कंप्यूटर का सीरीज लाया था उसमें पूरी चीजें बेसिक से थी, अब थोड़ी सारी एडवांस चीजें। क्या पढ़ना है हमें कंप्यूटर में? दो चीजें पढ़नी है कंप्यूटर में, या तो होता है हार्डवेयर या होता है सॉफ्टवेयर। दो चीजें, हार्डवेयर वो चीजें जिनको हम टच करते हैं, टेंजिबल कंपोनेंट, और सॉफ्टवेयर जिनको हम जनरली टच नहीं करते, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। हार्डवेयर में हम तीन चीजें पढ़ते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस। ये तीन चीजें पढ़ते हैं हम हार्डवेयर में। क्या? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। और सॉफ्टवेयर में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, देखो यहां एक लफ्ज लिखा है WARE वेयर, यहां पे भी लिखा है WARE वेयर। अब हम बात कर रहे हैं ये वेयर क्या होता है। जब भी हार्ड के आगे वेयर या सॉफ्ट के आगे वेयर, वेयर लफ्ज लगाओ, हार्डवेयर कंपोनेंट को छोड़ के जब जब वेयर लिखा हो, उस वेयर में 80% मतलब होता है कि वो प्रोग्राम है और 20% ये मतलब होता है कि वो सॉफ्टवेयर है। अब प्रोग्राम क्या होता है, देखिए कंप्यूटर में जब ढेर सारी इंस्ट्रक्शंस जुड़ती हैं तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया ये करो वो करो, वहां जाओ यहां जाओ, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। जब इंस्ट्रक्शन जुड़ती हैं तो क्या बनता है? प्रोग्राम। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम, और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहां तक? जब भी वेयर की बात आए 80% चांसेस होते हैं कि ये वेयर क्या है? प्रोग्राम। और 20% चांस होते हैं कि वेयर क्या है? सॉफ्टवेयर। अब जरा सुनिए ये वेयर क्या क्या होते हैं। देखो, फर्मवेयर, नागवेयर, मालवेयर, फ्रीवेयर, स्पाईवेयर आता है ना डेर बार। अब फर्मवेयर क्या होता है? देखे बेटा, कंप्यूटर के ऐसी चीजें, ऐसे प्रोग्राम जिनको हम मॉडिफाई, डिलीट, एडिट नहीं कर सकते, ऐसी चीजों को बोलते हैं फर्मवेयर। और फर्मवेयर को हम इरेज नहीं कर सकते। फर्मवेयर की एक एग्जांपल होती है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट स्टोरेज, या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, स्टोरेज नहीं, सिस्टम। तो बताओ बायोस की एग्जांपल, बायोस किसकी एग्जांपल है? फर्मवेयर की। फर्मवेयर की कोई एग्जांपल दो तो बायोस। अगर मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा होता तो मैं यहां पे आपको बायोस नहीं पढ़ाता, क्योंकि यहां पढ़ाना नाजायज है। बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक कंप्यूटर आता है। अब नागवेयर क्या होता है? कभी कभार हम कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं जो 15 दिन का ट्रायल वर्जन आता है। जब ट्रायल वर्जन हो जाए एक्सपायर, फिर हमें मैसेज में आते हैं कि इंस्टॉल करो पेड वर्जन या बाई करो नया वाला वर्जन। बार बार हमें मैसेज आते हैं, स्क्रीन पे आते हैं, ऐसे मैसेजेस को बोलते हैं नागवेयर। क्या बोलते हैं?
नागवेर। सच बताना, पहले कभी सुना था नागवेर क्या होता? मुझे पता है। तो बढ़िया वाली चीजें लाएंगे आपके लिए। फर्मवेयर मतलब जिनको हम एडिट मॉडिफाई डिलीट ना कर सके, और ये कॉम्बिनेशन होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। नागवेयर वो वाली चीजें जिनका ट्रायल एक्सपायर हो जाए। क्या हो जाए? ट्रायल एक्सपायर, और बार बार हमें मैसेज आए कि पेड वर्जन खरीदो, ये करो वो करो, ऐसे मैसेज को बोलते हैं इंस्टॉल करो पेड वर्जन। इसको क्या बोलते हैं? नागवेयर। उसके बाद मालवेयर। माल का मतलब होता है मलिशियस, खतरनाक, और वेयर का मतलब हो गया प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम जो खतरनाक हूं, हमारे कंप्यूटर में हमारा डेटा खराब करते हूं, ऐसे को क्या बोलते हैं? मालवेयर। जब मैं आपको वायरस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मालवेयर क्या होता है। उसके बाद फ्री वेयर। देखो फ्री वेयर, आपने नाम सुना होगा वीएलसी मीडिया प्लेयर। ये वीएलसी मीडिया प्लेयर हम डाउनलोड करते हैं, यूज करते हैं, बट इसका कोड हमें अवेलेबल नहीं होता। ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल हूं, जिनका हम कोड यूज करें बट हम उनको मॉडिफाई ना कर सकें, ऐसे प्रोग्राम को बोलते हैं फ्रीवेयर। क्या बोलते हैं? फ्रीवेयर। बताइए, द प्रोग्राम विच आर फ्रीली अवेलेबल बट कोड, सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल, सच प्रोग्राम आर नोन एज फ्रीवेयर। फॉर एग्जाम्पल वीएलसी मीडिया प्लेयर। उसके बाद होता है स्पाईवेयर। जब हम कभी कभार कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, तो दुकान वाले ने एक डिवाइस लगाई होती है जिसको बोलते हैं की लॉगर। वो हमारी कीज को ट्रैक करता है, तो जो हमने पासवर्ड लगाया होता है उसको पता चल जाता है, उसको बोलते हैं की लॉगर। तो की लॉगर किसकी एग्जाम्पल है? स्पाईवेयर की। आप देखो, मैंने आपको बता दिया फर्मवेयर, नागवेयर, मालवेयर, फ्रीवेयर, स्पाईवेयर। वेयर का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम। जब भी वेयर आए तो 80% मतलब होता प्रोग्राम, 20% मतलब होता ये सॉफ्टवेयर। इतनी बातें पता चल गई आपको। उसके बाद अब देखिए, अब हम कंप्यूटर की जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अभी यहां पे पढ़ा कंप्यूटर में क्या होता हार्डवेयर और क्या होता सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या होता? इनपुट डिवाइस। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे, फिर आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, फिर स्टोरेज पढ़ेंगे, और फिर हम आएंगे सॉफ्टवेयर क्या होता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता, यूटिलिटीज क्या होता। ये पढ़ के फिर हम इतनी एडवांस चीजें पढ़ेंगे कि आपको स्वाद आ जाएगा जिंदगी का, पेपर में कभी कुछ बाहर से नहीं आएगा। अब लिखो आप इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड। कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस? कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, BCR, OCR, MICR, एक और लिख दो OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर, टेप रिकॉर्डर, किम्बल टैग रिकॉर्डर, कार्ड रीडर, स्टाइलस, लाइट पेन, स्कैनर, बायोमेट्रिक, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, कैमरा, वेबकैम। इतनी बातें पता चल गई आपको। अभी मैंने आपको ये सिर्फ लिखाया है, समझाया नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कीबोर्ड क्या होता है, टाइप ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड पे कीज और इसके ढेर सारे फंक्शन। फिर पढ़ेंगे माउस, उसके फंक्शन, टच स्क्रीन, उसकी टाइपें, ये सब हम पढ़ेंगे। वेबकैम क्या होता है, स्टाइलस, कार्ड रीडर, किम्बल, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। और डेली का रेडी ये लेक्चर आएगा, पेड कोर्स का कंटेंट भी अब हम चलाने वाले हैं। हमारी जॉब्स अड्डा एंड्रॉइड ऐप को हम डाउनलोड का लिंक देंगे, और आप बच्चे घर पे बढ़िया से 1 महीने के अंदर पूरा अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस तैयार करेंगे। लॉकडाउन से डरना नहीं है, घर बैठना है और आराम से तैयारी करनी है। मेरी पूरी टीम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया चीजें लाएंगी। तो आज का मैं यही छोटा सा सेशन आपके लिए लाया था। अगले एपिसोड में हम पढ़ना शुरू करेंगे अच्छे से, और जो इंग्लिश वाली मैडम आपको इंग्लिश पढ़ा रही, पूरी इंग्लिश विदाउट रूल पढ़ाई जाएगी। आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस।